नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर हिंदी कहानी जिसका नाम है कंचा, जो कि आपके कक्षा सातवीं की हिंदी पुस्तक वसंत भाग दो के पाठ 12 से ली गई है, जिसके लेखक है श्री टी पद्मनाभन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ कंचा। कंचा माने जो छोटे छोटे बच्चों को खेलने की एक वस्तु होती है, जिनमें छोटी छोटी कांच की गोलियां बनी रहती है, उनको कहते हैं कंचे, जो अक्सर हम जिन्हें अंटियां कहते हैं, अंटी कहते हैं, तो उसको ही कहते हैं कंचा। तो इस कहानी में एक अप्पू नाम का एक लड़का रहता है, छोटा सा। अप्पू की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर समय कल्पना में खोया रहता है, और जहाँ देखो जहाँ थोड़ी थोड़ी देर में ही वो कल्पना में खो जाता है, सोचने लग जाता है, सोचने की उसको सबसे बड़ी समस्या है। चलिए शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ शियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। देखिए, यहाँ अप्पू के बारे में बताया जा रहा कि वो नीम की पेड़ों की छांव से, घनी छांव से होता हुआ शियार की जो कहानी के मजे लेता आ रहा था, जब जो भी उसने स्कूल में सुनी थी शियार की कहानी, उसको वो मजे लेता लेता उसके बारे में सोचता सोचता वो आ रहा था और मजे ले रहा था। हिलते डुलते हुए उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था, उसका जो बैग है वो दोनों तरफ से हिलता, तब उसमें से आवाज़ आती थी, खनकता था यानी उसमें से आवाज़ आती थी। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, और उसकी जो स्लेट पट्टी थी वो कभी तो छोटी शीशी से टकरा जाती कांच की, या फिर कभी उसकी पेंसिल से। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था और कुछ वो देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो है उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवा और शियार की। देखिए, यहाँ पहले ही बताया मैंने कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है। शियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। देखिए, वो कहानी के बारे में क्या सोच रहा है, जो कहानी उसने शियार की और कौवे की सुनी वो, तो उसमें शियार बोला था, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। ऐसा किसने कहा? शियार ने। कौवे ने गाने के लिए मुँह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। शियार ने उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। देखिए, यहाँ वो उस कहानी के बारे में सोच रहा है जब उसने स्कूल में सुनी थी एक कौवे और शियार की। क्या होता है कि एक कौवा कहीं से रोटी लेकर आता है, वो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, नीचे एक शियार, वे उसको उसके मन में लालच आ जाता है रोटी देखकर कि वो रोटी वो भी खाना चाहता है। तो कौवा ऐसा तो देने वाला नहीं था, लेकिन उसने चाल खेली, और क्योंकि शियार चतुर होते हैं इसलिए उसने चाल खेली और कहा कौवे से कि प्यारे कौवे तुम्हारी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, तुम कोई ना कोई गाना सुनाओ ना, तुम्हारे गाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। ऐसे करते ही और कौवा भी उसकी बात में आ गया, उसने जैसे ही मुंह खोला और रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे आ गिरा, और शियार ने उसे उठा करके वो वहाँ से 9-2-11 हो गया, यानी कि वो वहाँ से भाग गया। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। वह जोर से हंसा, लड़का जो था वो सोच रहा था उसके बारे में, वो जोर से हंसा बुद्धू कौवा, और उसको कहा कि ये कौवे में अक्ल नहीं है, यानी बुद्धू यानी उसमें अक्ल नहीं है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा, वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे, और वो ऐसे ही चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा और वहां पर जाकर उसने देखा कि अलमारी में कांच के एक बड़े बड़े जार यानी बर्नियाँ रखी हुई थी, उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, और इसके अंदर जो चॉकलेट पेपरमेंट वगैरह जो रखी हुई थी, इन जार में जो पेपरमेंट चीज़ें वगैरह रखी थी उनमें से किसी पर भी उसकी नज़र नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर लाकर दे देते थे, मतलब उसके जो पिताजी है वो सभी चीज़ें उसको ला करके दे देते थे, चॉकलेट पेपरमेंट वगैरह ये सभी बिस्किट वगैरह, तो वो उन जार की तरफ क्यों देखे? फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया, मतलब आकर्षित किया यानी उसकी ओर आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। उसने क्या किया कि कंधे से उसने लटकते बस्ते का फीता जो एक तरफ से हटा करके उस जार के सामने खड़ा होकर के
उधर टुकुर टुकुर देखता रहा, उसकी तरफ ताकता रहा, देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसे वह चीज़ यहाँ नहीं दिखी है। मतलब वो सोच रहा है कि ये चीज़ें जो नई नई ला कर के यहाँ रखी है, जार अभी अभी यहाँ पर ला कर के रखा है, पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? वो लड़का सोच रहा है कि देखिए कितने बढ़िया सुंदर कंचे हैं, गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद और आंवले जैसे बड़े बड़े, और कितने खूबसूरत थे, अभी तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, और उसके देखते देखते वो फिर देखिए कल्पना में खो गया है। और अब वो क्या सोच रहा है कि उसके कल्पना में देखते देखते जार बड़ा हो गया है, और वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया है। और उसने कल्पना में सोचा कि जो जार है वो आसमान इतना बड़ा हो गया, वो भी वो लड़का मतलब अप्पू भी उसके अंदर आ गया है। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वो सोच रहा है कि मैं अकेला ही यहाँ पे हूँ, क्योंकि उसके बाद में उसकी जो छोटी बहन थी वो हमेशा के लिए चली गई, यानी पहले ही शांत हो चुकी थी, इसलिए इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए वो अकेला ही हमेशा खेलता था। तो वहाँ भी वो अकेला ही सोच रहा है, अकेला ही है। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा, तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। अब उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी, वो ऐसा सोच ही रहा था और खेल रहा था मान लो कंचों से, इधर उधर बिखेरता हुआ मजे से खेलता रहा, और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती, मतलब माने कि दुकानदार ने उससे कहा है कि लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा, और वो चौंक गया, मतलब उसकी कल्पना टूट गई। जार अब छोटा बनता जा रहा था, छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, आप देखिए वो कंचे भी छोटे होते जा रहे हैं। सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार, एक तो वो और एक बूढ़ा दुकानदार, दोनों वहाँ हैं। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, यानी कि वो गुस्से में आ रहा था। मैंने कहा ना जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दूँ, वह उदास हो अलग खड़ा रहा। मतलब दुकानदार ने कहा कि जो तुम चाहते हो मैं निकाल करके दे दूंगा, तुमको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उदास होकर के अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने पूछा कि क्या कंचा चाहिए। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, उसने निषेध में सिर हिलाया, निषेध में मैंने मना करने के। तो फिर सवाल खूब रहा, उसने पूछा कि तो फिर क्या चाहिए। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा, जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था, ऐसा वो सोच रहा है। कि क्या दुकानदार ने उससे भी जो सवाल किया कि क्या चाहिए, कंचे चाहिए क्या, तो उसने कहा कि क्या खूब सवाल रहा, क्या उसे कंचे चाहिए। वो स्वयं भी सोच रहा है कि क्या मुझे कंचे चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो खुद उसे मालूम नहीं है। और वो कंचे को जार को उसने जैसे छू कर देखा, तो उसको लगा कि मैंने कंचे को भी छू करके देख लिया है, ऐसा एहसास उसको हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था, लिया होता तो, फिर सोचने लगा कि अगर मैंने ले लिया होता कंचा तो, स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। देखिए देरी से जो भी लड़के पहुंचते थे उनको सबसे पीछे जाके बैठना पड़ता था बेंच पे। उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है, रामन अगली बेंच पर, वह रोज समय आता है। तीसरी बेंच से आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। देखिए यहाँ उसके बारे में बताया गया कि क्लास में कौन किस प्रकार से बैठा है। रामन जो है अगली शुरू स्टार्टिंग की बेंच पर बैठा है, और बाद में क्योंकि वो रोज समय पे आता है इसलिए आगे बैठा है, और तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका नाम की एक लड़की और अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, मतलब जॉर्ज एक लड़का है, उसका दोस्त हो सकता है, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है, और लड़कों में सबसे अच्छा जो कंचे का खिलाड़ी वो कौन है, जॉर्ज। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा। मतलब वो कह रहा है, मन में सोच रहा है कि
अगर कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ अगर खेलेगा तो वो मात खाएगा यानी हार जाएगा उससे। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता और हारने पर वो यहीं विदा नहीं हो सकता, यानी कि ऐसे ही नहीं जा सकता। वो हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। और क्या होगा कि जो हारने वाला रहता है उसको क्या करना पड़ता है, अपनी मुट्ठी में कुछ अंटियाँ लेकर कुछ कंचे लेकर के जमीन पर रखनी होती है और ऊपर से जॉर्ज जो है वो ऊपर से एक उसकी मुट्ठी मारता है तो उसकी यानी कि उसकी हड्डी तोड़ेगा, जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे जो हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। देखिए अब यहाँ कक्षा चलने लगी है और वो सोच रहा है, अरे हाँ जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने सूचना दी थी, रामन ने उसे कहा था कि जॉर्ज को बुखार, इसलिए वो नहीं आया और मल्लिका को सब बताया था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। मास्टर जी जैसे आए और उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, सबक मतलब पाठ, रेलगाड़ी के बारे में पाठ था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37, घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी कह रहे हैं कि रेलगाड़ी का सबक है रेलगाड़ी पृष्ठ 37 पर, यानी कि 37 पेज नंबर पर है वो पाठ, उसको निकाल लो। तो मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे कि बच्चों तुम में से कहीं ने रेलगाड़ी देखी होगी। देखिए यहाँ बेंच मतलब होता है जो डंडी होती है, लकड़ी होती है स्कूल में, वो मेज के ऊपर यानी टेबल के ऊपर वो ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे कि बच्चों तुम में से कहीं ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती, भाप से है, तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी ही। और मास्टर जी कह रहे हैं कि रेलगाड़ी तुमने देखी होगी बहुत सारों ने, तो उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका जो इंजन है वो भाप से चलता है। और भाप यानी कि जो पानी से धुआं निकलता है, पानी से जो भाप निकलती है उससे है, तो तुम लोग अपने घरों के चूल्हे में भी इसे देखते होंगे। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब, और भाप की गाड़ी का भी वही छुक छुक रेलगाड़ी से ही है, ऐसा अप्पू सोच रहा है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। और मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, मतलब वो धीरे धीरे बोलने लग गए थे और रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। पीपा मतलब होता है डिब्बा या टंकी। तो रेलगाड़ी में लोहे की एक बड़ी टंकी होती है, उसको पीपा कहा जाता है और अंग्रेजी में बॉयलर कहा जाता है। तो इधर अप्पू सोचने लग जाता है वापिस से, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को भी साथ खेलने नहीं देंगे, वो ये मन में सोच रहा है। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। देखिए मास्टर जी ने यह चौक का टुकड़ा फेंका उसके ऊपर, अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। देखिए मास्टर जी ने जैसे ही उसके ऊपर चौक का टुकड़ा फेंका और वो उसके मुंह पर जाके लगा तो उसको अनुभव हुआ, यानी कि उसको एहसास हुआ कि किसी चीज़ की उसको लगी है, तो वो खड़ा हो गया। और मास्टर जी इधर गुस्से में थे। अरे तू इधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। जैसे मास्टर जी ने उससे कहा कि इधर क्या कर रहा था तू, तो उसका दम घुट रहा था, बोल नहीं पा रहा था, वह खामोश यानी कि चुप खड़ा था। क्या नहीं बोलेगा, वो अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी, उसकी घबराहट बढ़ गई और वो घबराने लगा। तभी मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, मास्टर जी ने पूछा कि मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, मतलब मास्टर जी समझ गए उस लड़के को देखकर कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया हो, अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। मतलब अगर मास्टर जी सोच रहे हैं कि इस लड़के का ध्यान कहीं और था और शायद इसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया है, अगर पाठ पर ध्यान दिया है
तो उसका जवाब जो भी है वो उसके मन में जो है चल रहा है वो उसको बाहर लाना ही उसकी उनकी मतलब मास्टर जी की सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सक पका गए कि कंचा। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल माने भूकंप। तो कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, मास्टर जी ने कहा कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। मास्टर जी साहब की आंखों में चिंगारें सुलग रही थी, यानी कि उनको गुस्सा आ रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा और अप्पू जो है वो रोता रोता टेबल के ऊपर चढ़ गए। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झाँक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। और जो पास में कक्षा चल रही थी उसमें से एक अध्यापिका टीचर थी, वो दरवाजे से झाँक करके देखा उसने, और फिर वो हंसी थोड़ा सा। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। और जो अप्पू है उसने रोने को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुक पाई, रोना उसका नहीं रुक पाया और वो रोने लगा, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, उनमें से किसी को खेलने नहीं बुलाएगा, कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, ऐसा वो फिर सोचने लगा। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो, अगर उसने नहीं दिए तो फिर वो सोचने लग जाता है कि क्या मैं उसको ले जाऊंगा जॉर्ज को साथ में, तो क्या कंचे देगा दुकानदार, ऐसा वो सोचने लग जाता है, नहीं देगा तो क्या होगा। किसी को शक हो तो पूछ लो, मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मतलब मास्टर जी ने पूछा कि अगर किसी को शक हो तो पूछ लो, यानी पूछते हैं ना कि कोई डाउट हो तो पूछ लो, तो उन्होंने भी ऐसे ही पूछा मास्टर जी ने कि अगर कोई शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का वो पाठ समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। मतलब रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और सवाल का जवाब भी उसको मिल गया। अम्मिनी ने भी सवाल किया, उनको भी अपना जवाब मिल गया। कई छात्रों ने ये दोहराया और उनका सबका जवाब उन्हें मिला। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? ऐसा उस बच्चे ने कहा अप्पू ने कि क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार उसे कंचे देगा या नहीं देगा, ऐसा मास्टर जी से कहा उसने कि ये मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या, कितने पैसे? कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। जो चपरासी था वो आया कमरे में और उसने कहा मास्टर जी से, नोटिस में देख करके मास्टर जी ने कहा, एक नोटिस लाया था चपरासी, तो मास्टर जी ने उस नोटिस में देख करके कहा कि जो भी बच्चे फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर दें। तो बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, उसने पैर खींच लिया, उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। कितने दिए? 1.5 रुपया। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। 1.5 रुपये कितना होता है? 1 रुपये 50 पैसे। वह बेंच से उतरा, बेंच से उतर गया और किधर, मास्टर जी ने पूछा, किधर किधर चले, ऐसे पूछते ना, तो मास्टर जी ने ऐसा पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है? फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। और उसने कहा कि फीस देनी है इसलिए जा रहा हूँ, फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा ऑन दी बेंच और
बेंच के ऊपर ही झिझकता रहा। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा, क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? तो उसने कहा कि हाँ हाँ ध्यान से पढ़ूंगा, अब मैं ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया कि मास्टर जी ने फिर उसको छोड़ दिया कि चल जा जमा कर दे फीस। वह दफ्तर गया, दफ्तर मतलब ऑफिस। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, बच्चे एक एक करके आओ क्लर्क बाबू बता रहे थे, जो वहाँ पैसे लेने वाले क्लर्क थे वो कह रहे थे कि बच्चों एक एक करके आओ, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे कितने पैसे, ये फिर वो सोचने लग जाता है, वो फिर मन में कल्पना करने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि जॉर्ज को अगर मैं साथ लेके जाऊंगा तो वो दुकानदार कंचे देगा नहीं देगा, कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे कितने पैसे लगेंगे, ये सोच रहा है। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर से चले, वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। जैसे ही घंटी बजी, फीस जमा हो गई सभी बच्चों की और घंटी बजी, तो इधर से चले, सभी इधर से चले और वह अप्पू भी इधर से चला, मानो कि जैसे कि नींद से जाग कर के वो चला हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वो उनके पास नहीं गया और फाटक के सिंखचे थामे। सिंखचे मतलब होता है फाटक के जो दरवाजे के दोनों साइड लकड़ी की पारगस होती है उसको बोलते हैं सिंखचे, उसको थामे। उसने सड़क की तरफ देखा, वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा, ऐसा वो फिर सोचने लग जाता है उस दुकान के बारे में, उस कंचों के बारे में फिर सोचने लग जाता है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा, दुकान नज़दीक आ रही है, उसकी चाल में तेज़ी बढ़ी, मतलब वो तेज तेज चलने लगा। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया, दुकानदार हंसा, और जैसे वो अलमारी के सामने खड़ा हुआ और दुकानदार फिर हंसा, उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है, वह भी हंसा, कंचा चाहिए ना, उसने सिर हिलाया हाँ मतलब। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? और जब दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा तो क्या हुआ? अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तब दुकानदार ने क्या कहा? बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने चाहिए मुझे? उसने जेब में हाथ डाला और 1 रुपये और 50 पैसे, उसने देखा कि 1 रुपये 50 पैसे है, उसने वह निकाल कर दिखाया, उसको दुकानदार को दिखा दिया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे, इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। तो अप्पू ने कहा कि वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम दे दो। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा था, उसके साथ मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। और दुकानदार समझ गया कि चलो मैं भी जब बच्चा था तो हम भी एक साथ मिलकर खरीदते थे, ऐसे ही सबके लिए एक साथ खरीदने आया होगा, दे दो। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को वो नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? दुकानदार ने पूछा उससे कि तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था, तो फिर उसने मना कर दिया कि नहीं आता है। तो दुकानदार ने कहा कि तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था, धीरज मतलब वो जो शांति करके बैठा था कंचे लेने के लिए, वो उसका धीरज जवाब दे रहा था, यानी शांति उसकी नष्ट हो रही थी। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाते से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा, और कागज की जो पोटली है वो अपनी छाते से चिपकाए हुए वो नीम के जो पेड़ है उनकी छाव से होता हुआ चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, देखा उसने कि कहीं कंचे है भी या नहीं है। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता, जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा, पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, वे सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे थे।
और क्या हुआ कि वो जैसे ही कंचू को देखने के लिए उसने पुटली खोली और वैसे ही वो पुटली जमीन पर गिरी और सारे कंचे जो रोड के ऊपर बिखर गए, सड़क पर बिखर कर बीचों बीच आ पहुँचे। क्षण भर शक पकाने के बाद उन्हें चुनने लगा और क्षण भर वो शक पका गया और फिर उन्हें धीरे धीरे करके वो चुनने लगा यानी इकट्ठे करने लगा। हथेली भर गई चुने हुए, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब उसके मन में ये चिंता हो रही कि अभी मैं इनको कहाँ रखूँ। उसने स्लेट और किताबें बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा और वो अपनी जो स्लेट पट्टी वगैरह थी, किताब वगैरह जो भी उसमें थी बैग में, वो सारी उसने बाहर निकाल दी और वो गिनने लगा, कंचे डालने लगा उसमें और गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इस प्रकार से गिनने लगा। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था, मतलब वो तब भी कंचे चुन रहा था। वो सड़क पर जैसे ही कार आई उसने ब्रेक लगाया, फिर भी वो कंचे बिन रहा था। ड्राइवर को इतना गुस्सा है कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। अब जब ड्राइवर को गुस्सा आया कि लड़का बीच में बैठकर क्या कर रहा है, हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा और जैसे उसने हॉर्न की आवाज़ सुनी और उधर जीप की तरफ कार की तरफ उसने देखा, सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़े ले रहा है। अब अप्पू फिर सोचने लग जाता है उसकी तरफ देख के कि क्या वो भी इस कंचे को देख रहा है, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वो भी कंचे देख करके मज़े ले रहा है। एक कंचा उठाकर उससे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना, उस ड्राइवर को उसने दिखाया कंचा एक उठा करके हाथ में। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया यानी समाप्त हो गया, उसका गुस्सा चला गया जाने कहाँ। वह हंस पड़ा, बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया और सारी चीज़ें तो उसने अपने छाते से चिपका ली और बाकी जो बैग में उसके कंचे भरे हुए थे वो घर आ गया। ऐसे ही उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी और शाम की चाय उसकी माँ ने तैयार की और उसका रास्ता देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते माँ घबराई हुई थी, उसको देर हो गई लौटने में तो उसकी माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया, अरे ये क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली, उसने गिना 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और ही हैरान हुई, मतलब कुछ और ही सोचने लगी वो, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? माँ ने पूछा। खरीदे हैं पैसे से, बच्चे ने कहा कि माँ मैंने खरीदे हैं पैसे से। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि दोपहर को दिए थे ना पिताजी की, और जो तस्वीर लगी थी उसकी तरफ उसने इशारा किया कि इन्होंने मुझे दोपहर में दिए थे फीस जमा करने के लिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए, मतलब क्यों लिए, काहे लिए मतलब क्यों लिए, इतने सारे कंचे तूने क्यों लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है, उसके बाद एक मुन्नी थी उसकी छोटी बहन, मगर वो उसकी माँ ऐसा सोच रही थी कि उसके बाद उसकी छोटी बहन की मुन्नी उसके बाद में रुक जाती है, बोलना रुक जाता है उसका, क्योंकि वो सोचने लग जाती है उसकी अपनी बेटी के बारे में और उसके आंखें गीली हो जाती है, रोने लग जाती है। माँ की पलकें भीग गई, उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर से वो सोचने लग जा रहा है कि क्या माँ क्यों रो रही है, मैंने कंचे खरीद लिए इसलिए तो नहीं रो रही है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना, है ना, नहीं अच्छे हैं। तब उसने अपनी माँ से कहा कि क्या ये कंचे बुरे हैं ना इसलिए आप रो रहे हैं, तो कि नहीं नहीं कंचे अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया और अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी, मतलब वो बहुत खुश हो रहा था, उसकी माँ भी खुश हो रही थी। तो ऐसी थी कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।